नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मई दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। पशुपति पारस ने देश के सभी विपक्षियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। इस राजद विधायक ने एक बार फिर से अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लालू यादव और पप्पू यादव की मुलाकात से क्या बदलेंगे देश के सियासी समीकरण। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की बताई यह वजह। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी दिए जाएंगे। अब इसी को लेकर अपनी राजनीतिक दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और कहा कि पहली कैबिनेट में एक साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि ये उनके पिताजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। वहीं बीपीएससी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी के काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझ जाए तो बीपीएससी के पास एक साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं है। विपक्षियों द्वारा किए जा रहे राजदंड विवाद पर बीजेपी नेता ने कही ये बात। पहले नए संसद भवन के उद्घाटन में इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होगा, लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर भी शुरू हो गया है कि नए संसद भवन को प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे तो उस वक्त सिंगोल यानी सत्ता हस्तांतरण वाला राजदंड प्रधानमंत्री के हाथों में होगा। विपक्ष इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे। अब इस मामले को लेकर यौन शोषण के विवाद में फंसे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। दरअसल विपक्षियों पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि हमारी सनातन परंपरा है, इसका जो विरोध करते हैं तो क्या कहा जाए, यह उनकी मानसिकता है। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस राजदंड को एक सनातनी परंपरा बताया। आनंद मोहन ने बीजेपी पर कसा तंज। बीते ही दिनों आनंद मोहन ने जेल से रिहाई के बाद पहली बार बिहार के पूर्वी चंपारण में हो रहे एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में आनंद मोहन के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद व अंशुमन आनंद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिनसे दुश्मनी करते हैं जमकर करते हैं और जब दोस्ती करते हैं तो हृदय से निभाते हैं। आगे उन्होंने लालू यादव की बात करते हुए कहा कि मैंने लालू यादव से भी कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन आज हम साथ हैं। जब लालू यादव ने उनको माफ कर दिया तो फिर उन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से डर जाए, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर खड़े किए ये सवाल। प्रधानमंत्री सिंगोल को हाथों में लेकर नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहे। उसका मानना है कि सिंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण करने का प्रतीक होने के साथ साथ किसी धर्म विशेष का प्रतीक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सिंगोल को कपोल कल्पना बताया। अब इस विरोध का जवाब देते हुए अमित शाह ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि कांग्रेस को भारतीय परंपरा से नफरत क्यों है। पशुपति पारस ने देश के सभी विपक्षियों को भ्रष्टाचार में बताया लिप्त। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का विपक्षी पार्टियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि देश के विपक्ष देश को विकास नहीं चाहते, इसलिए संसद भवन के उद्घाटन पर हाय तौबा मचा रहे हैं। इतना कहते ही उन्होंने देश के सभी विपक्षियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। आगे उन्होंने पीएम मोदी की बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुआ उस व्यक्ति का नाम है परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो गरीब परिवार में पैदा हुए इसलिए गरीबों के प्रति इनको दर्द है। चाहे दलित हो, अति पिछड़ी जाति के हो, ऊंची जाति के गरीब लोग हो, अकेलियत के साथी हो, किसान हो या नौजवान, सभी के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। आजादी के बाद इतने कर्मठ देश के प्रधानमंत्री में इनका नाम है। नीति आयोग की बैठक का विपक्षी कर रहे बहिष्कार। आज नीति आयोग की बैठक होनी है जहां देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह 8वीं बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, लेकिन अभी यह बात सामने आ रही है कि इस बैठक का कई विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। इससे पहले भी 21 विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। इन विरोध करने वाले विपक्षी दलों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन आदि शामिल हैं।
चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिख कही ये बात। नए संसद भवन को लेकर विपक्षियों द्वारा जारी विवाद के बीच लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नई संसद के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार की निंदा करते हुए जमकर तंज कसे, साथ ही पीएम मोदी को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। नई संसद भवन को लेकर उन्होंने कहा कि आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी लोजपा ने जनहित में आपके द्वारा किए गए हर फैसले का मजबूती के साथ दिया है। नई संसद का उद्घाटन यकीनन विकसित भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा ये अनादर और अपमान लोकतंत्र की मूल आत्मा और मर्यादा पर कुठाराघात है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बढ़ता जा रहा राग। दिल्ली सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा था। अब इसी बीच बीजेपी द्वारा आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचार से संबंधित विजिलेंस विभाग की फाइलें चोरी हो गई है। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस आरोप को लेकर कहा है कि वे बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी। बता दें कि इस मामले को लेकर दोनों पार्टियों के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा भी कहा गया है कि चोरी हुई फाइलों की फोटोकॉपी पास के कमरे में मिली, क्योंकि अधिकारी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे थे। इस राजद विधायक ने एक बार फिर से अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आते हैं। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनके इस आरोप के बाद उन्हें कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस्तीफा देने के बाद भी वे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे। अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल के स्नातक की पढ़ाई 4 से 5 साल में, जबकि 2 साल का स्नातकोत्तर 3 से 4 साल में पूरा होता है। हर साल करीब 15 लाख छात्र इससे प्रभावित होते हैं। इसे बचने के लिए बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। बीजेपी ने कहा आरएसएस या बजरंग दल पर रोक लगाने की कोशिश में जलकर राख हो जाएगी कांग्रेस। कर्नाटक सरकार में मौजूद मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा कहा गया था कि दक्षिणी राज्य में आरएसएस और बजरंग दल यदि धार्मिक या राजनीतिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करती है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, भले ही वह आरएसएस हो या अन्य कोई भी संगठन। प्रियांक खड़गे के इस बयान पर कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कत्तल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस बजरंग दल या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है तो वह जलकर राख हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव ने भी सरकार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आगे उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है तो जलकर राख हो जाएगी। लालू यादव और पप्पू यादव के मुलाकात से क्या बदलेंगे देश के सियासी समीकरण। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर मुलाकात करने जाप प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पप्पू यादव ने खुद इस मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए आत्मीय मुलाकात बताया और कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पिता का स्नेह दिया, मैं अभिभूत हूँ। आगे उन्होंने लिखा कि इस बार मुलाकात से आंतरिक ऊर्जा का संचार हुआ है, उम्मीद है कि आगे भी बेटे जैसा प्यार मिलता रहे। भले ही पप्पू यादव इस आत्मीय मुलाकात बता रहे हैं लेकिन सियासत के गलियारों में इस मुलाकात को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात की चर्चा देखी जा रही है कि प्रदेश में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि पप्पू यादव से हमेशा सहरसा और मधेपुरा की राजनीति प्रभावित रही है। क्या अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस देगी केजरीवाल का साथ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में लाए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अफसरों के पोस्टिंग और ट्रांसफर से संबंधित लाए गए इस्तीफे को लेकर केजरीवाल देश के अलग अलग राज्यों से समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। अब तक उन्होंने नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार से लेकर और भी अन्य पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ली है लेकिन वे इस मामले को लेकर कांग्रेस से मुलाकात करेंगे या नहीं इस पर अभी कुछ भी निश्चित नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा कहा गया था कि इस मुलाकात का फैसला कांग्रेस के आला कमान द्वारा किया जाएगा लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि अध्यादेश के मुद्दे को लेकर अब दिल्ली कांग्रेस के नेता 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में पार्टी के नेताओं से राज्य लेने के बाद ही इस बात पर निर्णय बनेगा कि वे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे या नहीं। सुशील मोदी ने जदयू समेत 19 दलों के सांसद से इस वजह से मांगा इस्तीफा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत देश के कई विपक्षी दल सांसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। अब इस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने का निर्देश चाहने वालों को याचिका जब उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी तब भी क्या विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार दूसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन का अनर्गल विरोध करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष ललन सिंह बताएं कि उन्हें ब्रिटिश दास्ता का प्रतीक पुराना ल्यूटियन संसद भवन ही क्यों पसंद है। आगे उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का निर्णय करने वाले जदयू सहित सभी 19 दलों के सांसद इस्तीफा दे, ललन सिंह कब इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की बताई यह वजह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनाई चौक स्थित नेहरू पार्क में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर नेहरू को माल्यार्पण किया। इस दौरान उनसे नीति आयोग की बैठक को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। उन्होंने इस बैठक को लेकर कहा कि इस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस बैठक में बिहार के लिए जो कुछ मांग की जाती है केंद्र सरकार वो पूरा नहीं करती है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो विश्वास बढ़ता, लेकिन हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया, इसलिए हम इस बैठक में जाना कोई औचित्य नहीं समझते हैं। नीतीश कुमार के नीति आयोग में भाग न लेने पर आरएलजेपी के प्रवक्ता ने कही ये बात। नीति आयोग की बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसे लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का भाग नहीं लेना यह बताता है कि अब मुख्यमंत्री को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार विकास की जो बातें करते हैं उसको लेकर आज वो उदासीन हो गए हैं। जब से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना शुरू किया तब से बिहार के विकास को लेकर पूरी तरह से उदासीन हो गए हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, सुजीत कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में न शामिल होने की जो वजह दी है इससे आप कितने सहमत हैं? आप न जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।